हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। एमबीबीएस फ्रॉम चाइना को लेकर के जो डिटेल डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। जैसा कि MBBS फ्रॉम चाइना को लेकर के 3-4 महीने पहले भी हमने एक वीडियो कवर किया था और उसमें बताया था कि माई करियर पाठशाला जो है वो 2022 में चाइना के एडमिशन्स तब तक नहीं करेगी जब तक चाइनीज यूनिवर्सिटी या चाइनीज गवर्नमेंट जो ओल्ड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं उनको वापस न बुलाए। तो उम्मीद की किरण जो है अब उन पुराने स्टूडेंट्स के लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी है। उनको NOC आना शुरू हो गया है, JW भी उनके कुछ दिनों में आ जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको वापस बुलाने के लिए जो लेटर है वो इशू कर दिए हैं। तो अब टाइम आ गया है कि चाइना के 2022 एडमिशन्स के लिए हम लोग प्लान कर लें और पैक मतलब उसकी जो है प्रिपरेशन कर लें। जैसा कि जो हमारे पुराने वीडियो ओल्ड वीडियोज़ देखते होंगे, मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि चाइना हैज़ ऑलवेज बीन अ फेवर्ड डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक और एजुकेशन को लेकर के। पहले भी जब हम लोग वीडियो शूट करते थे या कवर करते थे या जो आपको डिटेल्स देते थे उसमें चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले टॉप पे रखते थे। चाइनीज यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड में सबसे स्टैंडर्ड है। अगर US, इटली, चाइना इन सब का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखे तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का हाई डेवलप्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब वहाँ पर पढ़ने के बाद आपको फील आएगा कि हाँ मतलब आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड क्लास रैंकिंग जिसकी है, जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी चाइना में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब 3000 वर्ल्ड रैंक के अंदर ही हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ तो 1000 वर्ल्ड रैंक के अंदर हैं। तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है और बच्चों का इंटरेस्ट भी हमेशा से चाइना की तरफ बना रहता है। दूसरा क्या है कि चाइना में लिमिटेड सीट्स हैं। चाइनीज़ के अंदर में वो सिर्फ इंडियन का एडमिशन्स नहीं लेते हैं। अब वहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी जो चाइना की है उसी में प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी हम लोग एडमिशन्स भी उसी में प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ चाइना के अंदर में वो या तो बाइलिंगुअल है या चाइनीज़ है। लेकिन हाँ, अभी क्या है, एक चीज़ यहाँ पे अपडेट देने वाली है कि जैसे चाइना में ज़्यादातर जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं 45 लिस्टेड जो चाइनीज मिनिस्ट्री ने अपलोड किए थे जो MCA के साइट पे, अब तो नहीं है, हटा दिया। अब NMC ये कर रही है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज से पढ़ कर के आइए, कंडीशन अप्लाई कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट हो। तो चाइना में अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी कुछ एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश में भी पढ़ाती हैं, लेकिन वो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी में लिस्टेड नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी आपको यही सजेशन दूंगा कि हमेशा जो फोकस बना के रखना है और जो एडमिशन अप्लाई करने हैं हम लोग को वो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में ही करने हैं उस लिस्ट के अनुसार। अवॉइड करना, क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटी जो होती है थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है, उनके फीस स्ट्रक्चर कम होते हैं, तो कई सारे बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ही 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे रखी है और जो NMC गैजेट है उसमें इंग्लिश टॉट मांग रहे हैं, तो बाद में वो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश टॉट में या अगर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वगैरह कुछ लिख के देती है, इनफैक्ट जो डिग्री को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है, तो उससे बचने की हम लोग कोशिश करेंगे और 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करेंगे। अपडेट और दे दूँ, पहले क्या होता था कि जो बच्चे जाते थे वो 5 ईयर का MBBS कंप्लीट करते थे। चाइना का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होता था, तो वहाँ से इंटर्नशिप नहीं करके बच्चे अपनी डिग्री लेकर के यहाँ पे आके इंटर्नशिप कंप्लीट करते थे आफ्टर पासिंग FMG एग्जाम। लेकिन अब ग्रेजुएट आने के बाद क्या हो गया कि आपको इंटर्नशिप चाइना में भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो चाइना में हो गया वो 5+1 ईयर का 6 ईयर का हो गया। अब इससे भी बड़ा चैलेंज यह है कि पहले चाइना में जो फी स्ट्रक्चर होता था वो 5 ईयर का आपको दिया जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी थी चाइना में जो इंटर्नशिप अपने ही यूनिवर्सिटी से अलाउ करती थी, वो ये परमिशन नहीं देती थी कि आप 5 साल की डिग्री लेकर के इंडिया में जाके इंटर्नशिप करिए। तो वैसी यूनिवर्सिटी जो इंटर्नशिप वहाँ पे करवाती थी और उसके बाद आपको डिग्री देती थी वो आपसे 6 ईयर का फीस कलेक्ट करती थी। तो आज के डेट में जब चाइना में सारी यूनिवर्सिटी 6 ईयर की हो गई है, क्योंकि इंटर्नशिप वहीं करने हैं, तो आपको जो फीस भी देनी है चाइना में वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी की फीस आपको 6 ईयर की पे करनी है। तो चाइना का जो बजट है वो ऑलरेडी जो बजट पहले
30 से 35 लाख का आता था, आज वो डेट में 35 प्लस यानी 40 के आसपास, क्योंकि एक साल की फी स्ट्रक्चर बढ़ने का मतलब है कि लगभग चाइना में आपका 5 लाख रुपए का फीस बजट जो है, मिनिमम 5 लाख रुपीज का बजट आपका एड ऑन हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब जब चाइना ओपन हुआ है तो कई सारे कंसल्टेंसी के आपको फोन आएंगे और आपको बताएंगे कि 5 प्लस 1 ईयर का कोर्स है, 5 साल की ही फीस देनी है, छठे साल में कोई फीस नहीं देनी। आपको ये भी बता देंगे कि 6th ईयर में तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं। चाइना में कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाँ, चाइना में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब स्कॉलरशिप मिलने के अलग अलग क्राइटेरिया है चाइना में। अगर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर में अप्लाई करते हैं और आपके बहुत अच्छे 12th के अंदर में मार्क्स हैं, नीट के अंदर में आपके 500-550 प्लस के आसपास मार्क्स हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में जो आपको स्कॉलरशिप देती है ट्यूशन फीस में। इसके अलावा भी अगर आपका मार्क्स वहां पर जो आप जो इंटरनल एग्जाम्स हैं या ईयरली जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, तो चाइना में बहुत तरह की इंटरनल स्कॉलरशिप सिस्टम भी है, जिसमें प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, उसके बाद वहां का स्टेटस यानी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होने के बाद उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। तो इस तरह के स्कॉलरशिप में भी आप पार्ट लेकर के, मतलब अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में बाद में भी मिल सकता है। तो कोई डिस्काउंट नहीं होता। स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो कंक्लूड करके अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर में जो आपका बजट है वो बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, आपके कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ चुका है आफ्टर एनएमसी ग्रेजुएट, और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती है, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसमें भी कोई आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना आपके नियर बाई कंट्री में है तो चाइना का जो ट्रैवल टाइम होता है आपके लिए वो ईजी होता है, जो टिकट के फ्लाइट्स के फेयर होते हैं वो भी आपके लिए बाकी अदर कंट्रीज से जो आप जाते हो, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, रशियन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके लगभग ही फीस, उसके लगभग ही आपके फ्लाइट के फेयर भी आते हैं। पहले जब हम ट्रैवल करते थे तो चाइना में 20 से 22 हज़ार रुपये, 22,000 मैक्सिमम 25 से 26,000 के बीच में चाइना का ट्रैवल हो जाता था। अब चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाइना के अंदर में क्या है, एक तो सीट का लिमिटेशन है, क्योंकि 3,000 to 4,000 के आसपास, 3,400 के आसपास उसकी सीटें हैं टोटल। उसमें करीबन इंडियन बच्चों को जो सीट मिलता है वो 900 से लेकर 1200 के आसपास बच्चों को सीट मिलता है, बाकी अदर कंट्रीज़ के बच्चे उसमें जाते हैं। तो चाइना में जिनके एकेडमिक्स अच्छे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 70% ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन बहुत कम लगे हैं, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे उनकी सीट भरती है वैसे वैसे उनका जो ग्रेड है या उनके जो डिमांड है वो भी कई बार बढ़ जाते हैं, खास करके वो नीट को बहुत फोकस करते हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 200-250 प्लस की नीट स्कोर कार्ड मांगती है, और मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एकेडमिक्स में 70% पीसीबी होने ही चाहिए। 90% यूनिवर्सिटीज़ में, 90% यूनिवर्सिटी 70% पीसीबी मांगते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है कि 80% प्लस नीट में 200 प्लस का स्कोर कार्ड भी मांगती है। तो इस तरीके से डिफरेंट एकेडमिक्स क्राइटेरिया हैं। जब आप माई करियर पाठशाला को अप्लाई के लिए फ़ोन करेंगे तो आपको जो काउंसलिंग दी जाएगी उसमें हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी का स्ट्रक्चर और बाकी अपडेट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि व्हाई चाइना, मतलब बाकी इतनी सारी कंट्रीज हैं तो फिर चाइना क्यों? देखिए, चाइना इसलिए क्योंकि चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटी है। अब वाई चाइना माई करियर पाठशाला की तरफ से क्यों, मैं ये बताऊं, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कभी किसी कॉलेज या कंट्री या यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया है तो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स प्रमोट किया है। हमने कभी भी मतलब मॉनेटरी टर्म के बेनिफिट को देखते हुए, फाइनेंशियल बेनिफिट को देखते हुए कभी किसी कंट्री और कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट नहीं किया है। हम हमेशा, अब यहाँ पर कई सारे के मन में डाउट आता होगा या सवाल आते होंगे कि आपके यहाँ पे बांग्लादेश के वीडियो खूब बनाते हो तो बांग्लादेश क्यों? तो बांग्लादेश इसलिए बनाते थे क्योंकि बांग्लादेश का जो अकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो विथ रिस्पेक्ट टू कई सारे कंट्रीज बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है, वो सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। उसी तरीके से चाइना के अंदर में भी जो चाइनीज़ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चाइना में जो आप स्टडी करते हो वो भी बहुत अच्छा है। आपको वहाँ पे जाने के बाद जीरो कंप्लेंट्स हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जीरो कंप्लेंट्स है, ना हॉस्टल का कंप्लेंट है, ना अकेडमिक्स कंप्लेंट है। फूड का एक इशू है तो वो तो वर्ल्ड के हर पार्ट में है, उससे आप कहीं भी बच नहीं सकते, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए चाइना हमारे लिए हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। अब चाइना में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है ग्रेजुएट आने के बाद, वो ये आया है
कि पहले क्या होता था कि पहले जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, मतलब गैजेट से पहले वाले बच्चे, उनको HSK 4 कंप्लीट करना पड़ता था चाइना में। HSK 4 क्या है? चाइनीज लैंग्वेज मैंड्रिन, वहाँ पे मैंडेटरी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है और थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते तक आपको HSK 4 कंप्लीट कर लेना होता था। इसलिए क्योंकि फोर्थ ईयर में जब आप OPD में आप टाइम देते होगे तो आपको कम से कम HSK 4 तक आनी चाहिए कि आप लैंग्वेज को समझ सके और बोल सके। इसलिए वहां पर HSK 4 मैंडेटरी था चाइना में, मैंड्रिन लैंग्वेज में पास होना पड़ता था। अब गैजेट आने के बाद क्या हो गया, गैजेट आने के बाद अब आपको वहां पर बताया जा रहा है जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर चाइना में आप HSK 4 कंप्लीट करते हैं और अगर आप 5 साल 6 साल के बाद अगर आपको इंटर्नशिप और डिग्री मिल जाती है तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए चाइना में आपको वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। अब लाइसेंसिंग एग्जाम अगर आप चाइना में देते हैं तो वहां पर आपको मैंड्रिन लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक चाइना में जो एग्जाम होते हैं लाइसेंसिंग के वो मैंड्रिन में ही होते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि वो इंग्लिश में आगे चल के हो जाएगा, तो आगे चल के क्या होगा उस पर नहीं डिस्कस करेंगे, अगर हो जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन टिल द टाइम, क्योंकि चाइना इतनी जल्दी से दूसरे कंट्री के एकेडमिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है कि इनसे बहुत ज़्यादा उनको कोई फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप मानकर चलिए कि अगर आप चाइना में चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैंड्रिन लैंग्वेज HSK 4 नहीं, अब HSK 6 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। HSK 6 कंप्लीट करके उसका एग्जाम पास करने के बाद और फिर आपको वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो भी आपको देना पड़ेगा, और लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद फिर आपको वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री मिलेगी और उसके बाद फिर इंडिया में आप FMG कंप्लीट करके और यहाँ पर फिर आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब एक सवाल है, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज के डेट में कई सारे स्टूडेंट्स को एक चैलेंज दिखता है NMC गैजेट आने के बाद। गैजेट आने के बाद रियली में ये चैलेंज हो चुका है। पहले जो स्टूडेंट्स गए उनका बहुत सारा उनके साथ जो है इस तरीके के टफ चैलेंज नहीं थे कि उनको इंटर्नशिप वहीं कंप्लीट करनी होगी, उनको लाइसेंसिंग एग्जाम भी कंप्लीट करना होगा, रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा, इस तरह के कई सारे चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन अब NMC गैजेट ने ये रूल बना दिया है तो आपको भी उसी फ्रेम में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अब मेडिकल की जो पढ़ाई है बाहर की कंट्रीज में वो बहुत कैजुअल नहीं रह गई, वो बहुत ही सिंसियर बच्चों के लिए हो गई, वो बहुत ही वैसे स्टूडेंट्स के लिए हो गई जो पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब जिनका डॉक्टर बनना एक्चुअली में एक ड्रीम है और वो किसी भी हद तक जाकर के बनने के लिए तैयार है। जो मजे में बनना चाहते हैं ना उसके लिए अब MBBS अब्रॉड ऑप्शन नहीं रहा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप चाइना चले जाइए, आप रशिया चले जाइए, वहाँ के लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, किसी भी कंट्रीज में चले जाइए, आपको आज के डेट में सिचुएशन टफ है। वहाँ से लौट के आने के बाद जब यहाँ भी एग्जाम देंगे तो यहाँ पर फिर आपको 7.5% 7.5% यानी 7.5% की इंटर्नशिप सीट के लिए भी फाइट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ही आज के डेट में आपको MBBS अब्रॉड में अप्लाई करना है, और ये ट्रूथ है और ये आज का ट्रूथ है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। कई सारे कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ उस गैजेट को फुलफिल भी नहीं कर रही है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से सजेशन लेना बंद कर दीजिए कि आपका दोस्त वहाँ पढ़ रहा था, क्योंकि आपके दोस्त को नए गैजेट के अनुसार वो कंट्रीज़ में वो यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं पढ़ रही है, आपको आपके फ्रेंड को इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड आपको HSK 6 पास करना पड़ेगा, और HSK 6 और लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अब क्या है ना कि आप उनकी बात को बिल्कुल भूल जाइए जो आपको ये समझा देते हैं कि मैंड्रिन बहुत टफ है। आपको 6 ईयर ड्यूरेशन दिया जा रहा है और आपको 6 ईयर में हर साल आपको एक लेवल पढ़ना है, और अगर आप मेडिकल कंप्लीट कर सकते हो तो लैंग्वेज, तो क्या है ना कि अगर आपको लैंग्वेज चाइना में कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहा है ना, अगर आप उससे पूछोगे कि मैंड्रिन पास करना इतना टफ है क्या, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, 99.99% आपको बोलेंगे कि मैंड्रिन लैंग्वेज पढ़ना और मैंड्रिन लैंग्वेज एग्जाम पास करना टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है जिनको रशिया भेजना होगा वो आपको सिखाएंगे कि रशियन बहुत ईजी है, चाइना की मैंड्रिन बहुत टफ है, तो मैंड्रिन मत पढ़ो, मैंड्रिन कुछ और ट्राई कर लो। तो क्या होता है ना, सुन के समझना और सीखना और पढ़ना, जो 6 साल चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है और जो आपको सिखाया जा रहा है उसको पढ़ करके और समझना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बहुत जल्दी आप ग्रास्प करते हो, समझते हो और सीखते हो, और
कोई भी लैंग्वेज आज के डेट में आप लर्न कर रहे हो तो वो आपको पर्सनालिटी के डेवलप, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। पहले आप लैंग्वेज को उतना सीरियसली नहीं लेते थे, आज के डेट में आपको लैंग्वेज को सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि अगर आपने लैंग्वेज को 100% एक्वायर्ड कर लिया और उसमें कमांड कर लिया तो फिर आपके लिए मेडिकल बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब उसके इंटर्नशिप ईजी हो जाएंगे, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा, लर्निंग ईजी हो जाएगी, कई सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती है। तो चैलेंज टफ है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इसी ट्रूथ के साथ आपको अगर डॉक्टर बनना है तो सारे कंट्री के गैजेट गाइडलाइंस को देखते हुए कहाँ कौन सा वैलिड है उसके हिसाब से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।